नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 2023 में जो होने वाले बोर्ड परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित आपको जानकारी दूंगा और उसी से संबंधित आपको मैं महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर चर्चा करूंगा। अगर इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत होने वाली 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड परीक्षा है उसमें अवश्य मदद मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूलें हैं या गवर्नमेंट स्कूलें हैं, हर स्कूल में अब प्री बोर्ड का एग्जाम लगभग समाप्त होने के कगार में है। तो क्या है कि बच्चे अब पूरी तरीके से अब घर में रहेंगे, तो घर में रहने के साथ साथ जो बच्चे साल भर मेहनत किए हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो साल भर तैयारी के साथ बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसे भी छात्र छात्राएं होते हैं जो साल भर मेहनत किए ही नहीं है, उनको परीक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है या क्वेश्चनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो उनको मैं एक ऐसा ट्रिक बताने का प्रयास करूंगा, लिखने का ऐसा तरीका के बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा जिससे वो बच्चे कम से कम 70-80% ला करके अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखिए कि आपको ब्लूप्रिंट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो 10वीं का बोर्ड एग्जाम हो या 12वीं का बोर्ड एग्जाम हो तो उसमें क्या होता है कि जो प्रबोध का परीक्षा बोर्ड आता है या नवबोध कंपनी का परीक्षा सार आता है उसके सामने में आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा। ब्लूप्रिंट का मतलब यह होता है कि फलाने पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, उस पार्ट से कितने नंबर का, एक नंबर का प्रश्न आएगा, कितने दो नंबर का प्रश्न आएगा, कितने पांच नंबर का प्रश्न आएगा और कितने छह नंबर का प्रश्न आएगा। तो आप अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट यानी ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो उससे आपको यह मदद मिलेगा कि आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक हो। तो मैं इसमें आपको मदद करूंगा। लास्ट में जो एग्रीकल्चर के जो कृषि संकाय के छात्र छात्राएं होते हैं उनके लिए इसी वीडियो में आपको मैं कुछ क्वेश्चन अपलोड करके दिखाऊंगा, लगभग 40-50 क्वेश्चन। वो 50 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में कम से कम 85% आपको उसी क्वेश्चनों से अवश्य मिलेगा। आपको मैं इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन पेपर को कैसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और कैसे हम अपने कॉपी में अंकित करेंगे, कैसे हम लिखेंगे, उन सभी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में पास होने में मदद मिलेगी। तो ब्लूप्रिंट का जो जिक्र मैं किया हूं, आप ब्लूप्रिंट अवश्य ले लें। हर सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए और उसका फोटोकॉपी करवा करके अपने पास रख लीजिए और उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप पढ़ाई करिए। अभी आपके पास पता है कि एक दिन में लगभग 24 घंटे का हमारे पास समय होता है। इस 24 घंटे में कम से कम हम 8-10 घंटा भी अगर पढ़ाई के लिए दें, पढ़ाई का कार्य करें, तो हमको बोर्ड एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप साल भर मेहनत किए हैं फिर भी, अगर आप साल भर मेहनत नहीं किए हैं फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन 15 दिन में आप ढंग से पढ़ाई कर दीजिए तो आप हर सब्जेक्ट में पास अवश्य हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कैसे पढ़ाई करना है और कितने बजे आपको उठ करके पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। आपको पता है कि दिन भर में 24 घंटे होते हैं, हम आपको 24 घंटे पढ़ने का कभी सलाह नहीं देंगे। आप कम से कम 8-10 घंटे पढ़िए जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर लेंगे। जो बच्चा 15-16 घंटा पढ़ता है वो तो टॉप करेगा ही, लेकिन हम उन बच्चों को भी पास कराना चाहते हैं जो बच्चे साल भर बिल्कुल भी मेहनत नहीं किए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के जरिए इस टेक्निक को अपनाइए और आप अवश्य 60-70% ग्रोथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए। 4 बजे अगर आप उठते हैं, फ्रेश होइए, उसके बाद 4:30 बजे से 6:30 बजे तक 2 घंटा का आप पढ़ाई का रूटीन चालू कर दीजिए। उसके पश्चात आप कॉपी पेन छोड़ दीजिए। कॉपी पेन छोड़ने के बाद आप फिर सुबह में मॉर्निंग में 10 बजे पढ़ने के लिए बैठिए। 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई करें। इसी शेड्यूल को आगे बढ़ाते हुए शाम के 3 बजे से शाम के 5 बजे तक पढ़ाई करें और उसके बाद आप 7 बजे शाम से लगभग रात के 10 बजे तक पढ़ाई करें। इस टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2 घंटा यहां पर, 2 घंटा आपका यहां पर, 3-5 में 2 घंटा और 7-10 में 3 घंटा। लगभग एक दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ मैं 9 घंटा पढ़ने का सलाह दे रहा हूं। और भी अगर आप मेहनत करना चाहेंगे तो 10-12 घंटा आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अवश्य बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। तो आइए इस वीडियो में आपको मैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन पेपर को हम देख करके कैसे समझ सकते हैं और उसको हम कॉपी में कैसे लिखेंगे, उन सभी के बारे में आपको मैं विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपको यह पता है कि जो बोर्ड
का परीक्षा है वो सुबह 9 बजे से 12:15 तक होता है। सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 12:15 में आपको कॉपी ले लिया जाएगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का टाइम टेबल। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बोर्ड परीक्षा कैसे लिखा जाता है आंसर शीट में उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यहां पर मेरे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम का कुछ आपको आंसर शीट दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम उत्तर पुस्तिका के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही हमको बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिका मिलता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको तो सबसे पहले 9 बजे तक किसी भी हाल में जो परीक्षा हॉल है वहां प्रवेश करना है। अब 9 बजे जैसे आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे, आपको उत्तर पुस्तिका जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो आपको 9:05 में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको सबसे पहले क्या भरना है, जो आपका 10 अंकों वाला रोल नंबर रहेगा वो रोल नंबर आप यहां पर अंकों में अंकित करिएगा। उसके बाद जैसे मान के चलिए यहां पर 22 लिखाया है, तो आप नीचे में भी यहां पर 2 शब्द लिख करके मेंशन करेंगे। जो ऊपर में लिखेंगे उसी अंक को आपको शब्दों में नीचे लिखना है। उसके पश्चात आपको हस्ताक्षर कर आपको यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना है। परीक्षा का नाम में आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो रायपुर के द्वारा संचालित की गई है, अगर आप 10वीं के छात्र हैं तो हाई स्कूल परीक्षा सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा लिखेंगे, और अगर आप 12वीं के छात्र छात्राएं हैं तो आप हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा लिखेंगे। विषय का नाम, जिस विषय का आप परीक्षा उस दिन लिख रहे हैं, जैसे हिंदी का लिख रहे हैं तो आप हिंदी लिखेंगे। हिंदी का अगर विषय लिखे तो हिंदी का विषय कोड क्या है, अगर उसका विषय कोड 100 है तो आप 100 लिखेंगे, जो आपको प्रवेश पत्र में दिखाई देगा। जिस तारीख को आपका एग्जाम है उस तारीख को आप लिखेंगे। किस माध्यम से आप परीक्षा लिख रहे हैं उस माध्यम को आप यहां पर लिखेंगे। जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो किस सेट का है उस सेट को आप यहां पर भरेंगे, बाकी जगह को आप छोड़ देंगे, वो काम आपका मूल्यांकनकर्ता का होगा। तो सबसे पहले आप फ्रंट को यहां पर लिख लिए। लिखने के पश्चात आपको 9:10 में, जैसे 9:10 होगा आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन पेपर 5 मिनट तक पढ़ने का समझने का मौका मिलेगा, और जैसे 9:15 हुआ, 9:15 से 12:15 तक आप उत्तर पुस्तिका लिखेंगे। उस समय आपको किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जाएगा। अब इसमें आपको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं। अगर मान के चलिए आपके क्वेश्चन पेपर में, मैं पहले से ही यहां पर लिखा हूं, आंसर शीट बनाकर रखा हूं, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सही विकल्प है तो आप सही विकल्प को यहां पर उतारेंगे, उसके क्वेश्चन को, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो सिर्फ आप यहां पर आंसर को लिखेंगे, बाकी आपको 4 ऑप्शन उतारने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने मैं यहां पर लिख करके बनाया हूं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण को क्या कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन सही विकल्प में है, 4 ऑप्शन रहेंगे, उस 4 में से सिर्फ 1 ऑप्शन को लिखिएगा, बाकी आपको टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है। इसी कड़ी में आप आगे बढ़िएगा, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सही भी खाली स्थान है तो आप खाली स्थान को इस तरीके से भी उतार सकते हैं। किण्वन एक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, तो आप यहां पर लिखेंगे उसका आंसर को लिखेंगे। सिर्फ मैं आपको बताने का प्रयास यहां पर कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को न उतार करके आप सिर्फ यहां पर जो मेन टॉपिक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, इसको उतारिए, नीचे में अंडरलाइन करिए ब्लैक पेन से, और उसके पश्चात सिर्फ आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5, अपना टाइम बर्बाद नहीं करिएगा, सिर्फ जितना बोला गया है उतना ही आप लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिए। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सही जोड़ी है तो आप एक साइड में जो आपका सही जोड़ी है उसको लिखेंगे एक साइड में, और इसका जो आंसर है उस आंसर को इस साइड लिखेंगे। जैसे मूली किस कुल से बिलोंग करता है, तो क्रूसीफेरी। भिंडी कहां से बिलोंग करता है, मालवेसी। चना किस कुल से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनोसी। एपिकल्चर, मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर, रेशम कीट। यानी कि जो आपका क्वेश्चन है उसके ठीक सामने आपका आंसर होना चाहिए। आप इस प्रथा को ऐसे ऐसे मिलाने का प्रयास नहीं करिएगा, तो सामने में लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर दिखेगा। 2 पेन का आप प्रयोग करेंगे, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन। तो जो ब्लैक पेन में आप क्वेश्चन, जैसे प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, ऐसे लिखने के पश्चात नीचे में अंडरलाइन अवश्य करिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में परिभाषा है, जैसे यहां पर मैं पहला जो क्वेश्चन है, मानक बिलियन किसे कहते हैं, तो जो आपका परिभाषा है उसको इन्वाइटेड कॉमा में बंद करिएगा, ताकि वो स्पष्ट नजर आए। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मात्र ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन 4 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन से ज्यादा आप नहीं लिखेंगे। अगर वही क्वेश्चन आपका 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है,
जैसे चार नंबर या पांच नंबर का क्वेश्चन रहता है तो आप उसी को आप बढ़ा कर लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, ये चार नंबर का मैक्सिमम है तो चार नंबर के लिए मैक्सिमम एक पेज, उससे ज्यादा आपको लिखने का आवश्यकता नहीं है, इस बात का ख्याल रखेंगे। जो भी क्वेश्चन पेपर में आंसर है अगर उससे रिलेटेड चीज अगर आप जानते हैं तब भी आप कुछ ना कुछ अपने आंसर शीट में लिखेंगे, क्योंकि आप आंसर शीट को गोरा कागज छोड़ के आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ लिखेंगे तो आपको हो सकता है कुछ ना कुछ नंबर दिया जाए। लेकिन प्रयास करिएगा सही लिखने का, क्योंकि सही में आपको नंबर दिया जाएगा, गलत में आपको नंबर नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो 75 मार्क्स का होता है। एग्रीकल्चर ग्रुप का बात कर रहा हूं जिसमें 25 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। अगर आप 22 नंबर या 23 नंबर तक भी आते हैं तो हो सकता है कि जो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, मूल्यांकन करता है, वो आपको एकाध दो नंबर कृपांक के रूप से दे, अन्यथा आप प्रयास करेंगे कि अपने बलबूते पर पास होए, टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे। जो भी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर अवश्य डालिएगा, क्वेश्चन का जो शीर्षक है, टॉपिक है, उसको आप ब्लू पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, और जो उसके अंदर का भाग है उसको ब्लू पेन से लिखेंगे। अब इसी कड़ी में आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। देखिए ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, एग्रीकल्चर कृषि संकाय के छात्र छात्राओं का क्वेश्चन पेपर है। अब मैं जो तरीका बता रहा हूं वो सिर्फ कृषि के छात्र छात्राओं का नहीं है, वो साइंस के लिए भी है, फिजिक्स मतलब बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी है, मैथ्स के वाले भी है, कक्षा दसवीं वाले के लिए भी है, आर्ट्स वाले के लिए भी है, कॉमर्स वाले के लिए भी है। मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम लिखा कैसे जाता है, किस तरीके से लिखेंगे तो हमको अच्छा मार्क्स मिलेगा, उस तरीके के बारे में मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप ध्यान पूर्वक अच्छे से इसको ध्यान से सुनेंगे। जैसे क्वेश्चन जो पेपर है वो मेरा है कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित का, जिसका जो सेट है मेरा सेट सी है। आप इसको अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, आप दिखाई दे रहे हैं यहां पर सही विकल्प खाली स्थान दिखाई दे रहा है, आप पहले पढ़ लीजिए जो आंसर है उस आंसर को, सिर्फ क्वेश्चन उतारिएगा उसके बाद जो आंसर है उस आंसर को लिखेंगे, बाकी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। याद रखेंगे कि अपने क्वेश्चन पेपर में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर आप छेड़छाड़ कॉपी पेन इनका उपयोग करेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर नकल प्रकरण का चार्ज लगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप क्वेश्चन पेपर में किसी भी प्रकार का कुछ भी लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। क्वेश्चन पेपर को पढ़ने आपके पास पूरा समय रहेगा। अगर दो नंबर का क्वेश्चन है तो चार लाइन, तीन नंबर का क्वेश्चन है तो छह से आठ लाइन, चार नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम एक पेज, पांच नंबर का और छह नंबर का क्वेश्चन है तो डेढ़ से दो पेज, उससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही आप लिखने का प्रयास करेंगे, इसी तरीके को आप अपनाएंगे। अब इसी कड़ी में मैं आपको कुछ और बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैं बोला था कि अनसॉल्व जो एग्रीकल्चर का अनसॉल्व होता है उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू यूनिट, यानी कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से। आपके सामने यहां पर मैं फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र जो सब्जेक्ट होता है उसका ब्लूप्रिंट रखा हूं। आप देख सकते हैं इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें मैं लिखा हूं इकाई एक। इकाई एक में अगर लिखा गया है कि टोटल पांच अंक का प्रश्न पूछा जाएगा तो एक गुणित एक, इसका मतलब है कि एक नंबर का या तो सही विकल्प खाली स्थान ये आएगा। चार गुणित एक है तो मतलब चार अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके लिए मैं यहां पर पांच क्वेश्चन छाटा हूं और इसी पांच क्वेश्चन में से कोई एकाध दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। 100% आपको मैं बोल रहा हूं। इकाई दो जो दूसरा इकाई है वो आपको भू सर्वेक्षण दिखाई दे रहा है, इससे एक नंबर का एक प्रश्न, चार नंबर का एक प्रश्न, ये नीचे में आपको प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको मैं आपके इस वीडियो में स्पष्ट रूप से आपको फोटो दिखाई देगा, हर सब्जेक्ट का दिखाई देगा, तीनों सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट का, इकाई तीन का भी दिखाई दे रहा है, इकाई चार का भी दिखाई देगा, इकाई पांच का भी दिखाई देगा। इसमें सिर्फ आप इतना समझिएगा कि अगर मैं एक गुणित तीन लिखाऊं तो एक नंबर का तीन प्रश्न आएगा और दो गुणित एक लिखाऊं तो दो नंबर का एक प्रश्न आएगा। ये अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैं बनाया गया मेरा ये बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न है। ये पूरे लगभग अगर आप देखेंगे तो तीनों जो सब्जेक्ट का है, तीनों सब्जेक्ट का लगभग 50 क्वेश्चन मैं बनाने का प्रयास किया हूं। ये जो 50 क्वेश्चन का स्वरूप है ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये आपका फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का है। ऐसे ही आपको एलिमेंट ऑफ साइंस का भी क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा। तीनों
इन एलिमेंट ऑफ साइंस का भी सिर्फ याद रखिएगा कि जो लिखा हुआ है यहां पर जो काले रंग में मैं लिखा हूं कि 4 अंक का 1 प्रश्न, 5 अंक का 1 प्रश्न, 6 अंक का 1 प्रश्न कृषि भौतिक से यानी 1 से लेकर 4 पार्ट के बीच में आपको खाली स्थान सही विकल्प नहीं पूछा जाएगा। तो जितना मैं आपको यहां पर दे रहा हूं सिर्फ उतना का ही प्रयोग करेंगे, बाकी चीजों का आप प्रयोग नहीं करेंगे। इस पैटर्न को अगर आप अपनाते हैं, तीनों सब्जेक्ट का यहां पर मेरे पास क्वेश्चन पेपर बना बनाया था, इस पैटर्न को अगर आप अपनाते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 75% आने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। सिर्फ टाइम आपको मैनेज करना है, तो टाइम मैनेज के लिए आप क्या करेंगे, एक वॉच ले लेंगे, नॉर्मल वॉच का प्रयोग करेंगे ताकि उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर या हस्तक्षेप ना हो सके, ताकि कोई भी एग्जामिनर आपको कुछ ना कर सके। क्योंकि आप जितने कॉन्फिडेंस या कूल माइंड से आप एग्जाम के लिए जाएंगे उतनी अच्छा आपका पेपर बनेगा। जो बच्चा साल भर पढ़ा है उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ा है अगर इस तरीके को अपना करके अगर पढ़ाई करेगा तो आपको अवश्य परिणाम अच्छा ही मिलेगा, आपका भविष्य उज्ज्वल ही रहेगा। तो इस वीडियो को आप कोशिश करेंगे कि जितने भी 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं हैं उन तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि उनको बोर्ड एग्जाम लिखने का तरीका मालूम हो सके। ये सिर्फ एग्रीकल्चर के छात्र छात्राओं के लिए नहीं है, जितने भी 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम देंगे सभी को ये वीडियो फायदा ही फायदा करेगा। तो इसमें आज आपको एग्रीकल्चर का मॉडल पेपर मिल जाएगा, यानी कि जो 50 क्वेश्चन का सेट अनसॉल्व क्वेश्चन बनाया गया है वो आपको मिल जाएगा। इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन छात्र छात्राओं का मदद हो सके। और ध्यान पूर्वक लिखेंगे बच्चे, क्योंकि 2 कलर का उपयोग कर सकते हैं आप, ब्लैक और ब्लू। साथ ही साथ जो डायग्राम बनाएंगे उसको पेंसिल से आप बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी सामग्री चाहिए परीक्षा से संबंधित, जैसे रबर कटर, उसके जिसको बोलते हैं सॉफ्टनर, इरेजर, पेंसिल, आपका पेन, ये सब आप अपना लेकर जाएंगे, किसी दूसरे के भरोसे नहीं जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि बच्चे इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।